पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। लोकेशन रीच्ड, बिलू जी ने यही जगह बताई थी। का? क्या ये सर पे हाथ काहे से रही हो? क्योंकि आपने किया तो हमने किया तो तुम काहे कर रही हो? क्योंकि मैं आपको फॉलो कर रही हूँ? हमारा तो मत करो ना हमको फॉलो। काहे हमको फॉलो करती हो नकलची बंदरिया? क्योंकि मेरा कमांड आपके कंट्रोल में है और मैं आपको फॉलो करने के लिए प्रोग्राम्ड हूँ। अब चल काहे नहीं रही हो? अभी आप ही ने कहा। का कहा? कि फॉलो नहीं करना है। हम ना तुमको रोल रोला के नीचे ऐसे बिछा देंगे और तुम्हारा टीम का चादर बना देंगे। हम तुमको बता रहे हैं हमारा साथ रहने वाला फॉलो, जो हम तुम्हें ऑर्डर देते हैं वो फॉलो करना है, वो सीनियर जूनियर वाला फॉलो ये फॉलो करना है, कॉपी वाला फॉलो नहीं करना है कि हम ऐसे करेंगे तो ऐसे करोगे, ऐसे करेंगे तो ऐसे करोगी। समझ में हमारी बात को? कंफ्यूज्ड ह्यूमन। चले चलिए। हाँ भैया, ये कहाँ मिलेगा बताइए। धन्यवाद। हाँ भाई साहब, क्या हाल है? प्रणाम मैडम जी। प्रणाम। गुटका जो है ना भैया, गुटका उसको बेचना, खाना, खिलाना ये सब बैन हो चुका है। आपको पता नहीं पता इस बात का? बहुत अच्छे से पता मैडम जी। अच्छा, फिर भी बेचते हो? क्या बात कर रही है मैडम जी, हम अपनी दुकान पे कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे और हम नहीं बेचते गुटका। गुटका कसम से। सच कह रहे हैं आप? हाँ भैया, एक मजेदार तो खिलाओ। बहुत बढ़िया, मतलब ये खुले हम गुटकाबाजी चल रही आपकी। हाँ, एक गुटका थोड़ी ना मैडम, पान मसाले। पान मसाले? हाँ हाँ, देख लीजिए बड़ा बड़ा छपाई है, नोट तंबाकू, तंबाकू रहित पान मसाला सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। अच्छा, ये झूठ बोल रहा है, टोबैको के पैकेट्स डस्टबिन में है। भाई मैया की सासू मैया, गुटका खाना सेहत के लिए हानिकारक है ये जानते हुए भी ये जहर बेच रहे हो तुम। क्या चूरन दियो बे, तुम्हारे मजेदार में कोनो मजा नहीं है पहले जैसा। अरे वो वाला पैकेट दो ना जो रोज देते हो हमको, जे वाला, ये जो मैडम पकड़ी है ना वही वाला दो हमको। हाँ भैया, ये रोज खाते हो? रोज? अरे मैडम जी, मिनटों में पैकेट खत्म करते हैं। का बात कर रहे हो? का हुआ मैडम, पान मसाला खाने पर तो कोनो पाबंदी नहीं है ना। चलो तुम दोनों बताते हैं तुमको। का मैडम? थाना। मेरा बच्चा, मेरा छोटू, मेरा सत्तू कहाँ है? आपका छोटू मिसिंग है, आपको रिपोर्ट लिखवानी है। अम्मा, ये है मेरा छोटू, मेरा सत्तू। आपको मैंने कितनी बार बोला है मुझे सत्तू सत्तू बुलाना बंद कीजिए, अब बड़े हो गए हम और आप यहाँ क्या कर रही हैं? हमने बुलाया ताकि तुम्हारी अम्मा को पता चले कि तुम क्या गुल खिला रहे हो। आपका जो ये बेटा, आपका सपूत, आपका चूरन, आपको पता है क्या करता है? गुटका खाता है दबा दबा के, 25 पैकेट खा जाता है दिन के। इसको खा कर ना सिर्फ अपनी सेहत बर्बाद कर रहा है बल्कि इसको चबा कर ना पूरा शहर में फिटकारी माल्टा फिर रहा है आपका सत्तू। ना माता जी, हम पूछना चाहते हैं आपको पता है आपका बेटा गुटका खाता है? मैडम जी, पता था। एक मिनट, आपको पता है तो आप मना काहे नहीं करती हैं गुटका खाने के लिए? बहुत मना किया मैडम, पर ये मेरी बात एक भी नहीं मानता। इसका बाप भी गुटका खाता था, हर वक्त मुंह में गुटका दबाए रखता था, कैंसर हो गया और हमें छोड़कर चला गया। गुटके ने इसके बाप को तो खा लिया, अब इसे कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी मैडम जी? फिर शुरू हो गई। अरे यार, जो गुटका नहीं खाते वो भी अपनी उम्र से पहले ही निकल जाते हैं अम्मा, और ये सब बकवास है, कुछ नहीं होता गुटका उटका खाने से। और माँ, जिसका टाइम आता है ना उम्र ही जाता है, और आपको तो याद है ना कि बड़के भैया क्या बोले,
बड़ा आदमी मौत से नहीं डरता बल्कि मौत बड़े आदमी से डरती है। खाओ और बेफिक्र हो जाओ और चबाओ और निडर हो जाओ। देखा मैडम जी, अब आप ही नहीं समझे। समझाएंगे और समझेगा भी। जब दो घंटा पड़ेगा ना एक कान पे तो साए साए हो जाएगा कान में। समझो हमारी बात को। करिश्मा सिंह। हाँ मैडम सर, अब आप आ गई हैं तो आप अपने तरीका से समझा दीजिए इसे। एक काम करो, तुम जाओ घर जाओ। हमने कहा घर जाओ, जाओ। और आप देखिए, हम आपकी तकलीफ बहुत अच्छे से समझते हैं। हम आपकी सारी प्रॉब्लम समझ गए, हम कुछ करते हैं। फिलहाल आप इत्मीनान से घर जाइए। मैडम सर, आप जानती हैं वो बहुत बड़ी गलती कर रहा था। इतनी सी उम्र में कितनी गंभीर बीमारियों को न्योता दे रहा था। उसकी जान पर बन सकती है मैडम सर, फिर भी आपने उसे समझाने के बजाय उसको ऐसे ही जाने दिया। हाँ, इसलिए क्योंकि वो किसी के इन्फ्लुएंस में आकर ये सब कर रहा है। अगर हमें से कोई भी उसे कहेगा कि गुटखा मत खाओ तो हम तो उसके दुश्मन बन जाएंगे। सिर्फ एक इंसान है जो इसे समझा सकता है और सिर्फ एक इंसान है जिसकी बात मानेगा। कौन मैडम सर? मचवा खाए जवान हो जाए, बुड्ढा खाए श्यान हो जाए, तनिक ना शर्माओ शान से खाओ। तुमने बढ़ के भैया की पहली पसंद है मजेदार पान मसाला। मैडम सर, मैडम सर, ये तो अपने बड़े भैया हैं, भोजपुरी सुपरस्टार जयदेव कुमार। हमारा पूरा खानदान, हम भी इनके बहुत बड़े फैन हैं मैडम सर। इनका एक डायलॉग बड़ा फेमस हुआ था पुष्पा जी, ऐसे दातुन जबाते हो कि बड़का लोग मौत से नहीं डरत बा, मौतवा बड़का लोग से डरा रही मौत ऐसा। और सतीश जो है इस जयदेव का बहुत बड़ा फैन है। इस बात का अंदाजा हमें तब हुआ जब उसने अपनी माँ के सामने इन्हें बड़का भैया मैडम सर, हाँ बड़का भैया कहकर पुकारा और डायलॉग भी कहा जैसे अभी तुम कह रहे हो। तो इस बात से हमें अंदाजा हुआ कि वो उसका बहुत बड़ा फैन है। और क्योंकि जयदेव इस मजेदार पान मसाले का ऐड करता है, इसी के चक्कर में सतीश को भी इसकी लत लग गई है। नहीं मैडम सर, सवाल ये है कि जब तंबाकू और गुटखा बैन है तो सरेआम उसके इतने एड्स कैसे चल रहे हैं? और ये जो जयदेव जी है वो तो इतने बड़े सुपरस्टार है, वो पब्लिकली कैसे प्रमोट कर सकते हैं? क्योंकि इस तरह के एड्स को कहा जाता है सरोगेट एड्स। सरोगेट? सरोगेट मतलब वो होता है ना जिनको बच्चा बच्चा नहीं होता। सरोगेट एडवर्टाइजिंग मतलब कुछ नॉर्मल प्रोडक्ट्स की आड़ में कुछ हानिकारक प्रोडक्ट्स जैसे सिगरेट, अल्कोहल, टोबैको एक्सेट्रा बेचना। बेचे नॉर्मल प्रोडक्ट्स भी जाते हैं पर उसकी आड़ में बहुत ही सफाई से ये हानिकारक प्रोडक्ट्स भी बेचे जाते हैं जिसे पकड़ना लगभग नामुमकिन है। वाह मैडम, आप मस्त समझाई, लेकिन अफसोस कि हमको कुछ नहीं समझ में आया। ओके, हम समझाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पुष्पा जी ने ये प्रोडक्ट बनाया है। इस प्रोडक्ट में दुनिया भर का तंबाकू, इलीगल, जानलेवा सामान सब कुछ मिक्स किया हुआ है और वो इस प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट, इसका प्रमोशन करवाना चाहती हैं हमारी संतोष से, जो कि एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।